हे एवरीवन, दिस इज सीए समीक्षा सेठिया और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट जिसका नाम है ऑडिट सैम्पलिंग। आपको पता होगा ऑडिट सैम्पलिंग के ऊपर एक स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग भी है, ऐसे 530 ऑडिट सैम्पलिंग। इसी कॉन्सेप्ट को आज अपने समझने वाले। तो पहले एक सिंपल से एग्जाम्पल से मैं आपको रिलेट कराने की कोशिश करती हूँ ऑडिट सैम्पलिंग। इमेजिन करिए कि आपको बाजार में सब्जी लेने जाना है, यू हैव टू गो टू बाय वेजिटेबल्स इन द मार्केट। और समझ लीजिए आपको टमेटोज खरीदने, ठीक है। अब आप मार्केट में गए, वहाँ कई सारे वेंडर्स हैं। आपने पहले वेंडर के पास देखा टमेटोज अवेलेबल हैं, आप गए उसके पास। अब क्या आप टमेटो बिना चेक किए खरीद लोगे कि भैया एक किलो टमाटर दे दीजिए, या आप पहले टमाटर चेक करोगे कि कहीं सड़े गले तो नहीं है, कहीं दो दिन पुराने तो नहीं है? यू विल फर्स्ट चेक एंड देन बाय। बट टेल मी, अगर उसके पास 10 किलोज ऑफ टमेटोज है, से फॉर एग्जाम्पल वेंडर के पास, आप क्या पूरा 10 किलो चेक करके उसमें से एक किलो छाट के लोगे? बट हम चेक तो ज़रूर करेंगे। तो व्हाट वी एक्चुअली डू इज, हम ऊपर से कुछ कुछ चेक कर लेते हैं, अगर हमें सही दिखता है तो वी कंक्लूड कि पूरा जो उसका 10 किलो टमाटर है वो सही होगा, उसमें से अपने एक किलो उसको देने बोल। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग एग्जैक्टली। हम चेकिंग जो करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स की, उसमें हम जो ऑडिट प्रोसीजर्स को यूज़ करते हैं, वी डू नॉट अप्लाई द ऑडिट प्रोसीजर्स टू द 100% ऑफ पॉपुलेशन। मतलब अगर आप किसी एंटिटी में गए और 10 करोड़ परचेज इनवॉइस है वहाँ, तो क्या आप 10 करोड़ के 10 करोड़ परचेज इनवॉइस की वाउचिंग करोगे? टेल मी गाइस। वी विल चूज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सैम्पल फ्रॉम इट और उस सैम्पल को अपने चेक करेंगे। अब सैम्पल को चेक किया तो क्या कंक्लूजन सिर्फ सैम्पल पे दोगे? आपकी जो ऑडिट ओपिनियन होगी वो तो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे होगी, उस पर तो आपको 10 करोड़ जो परचेज इनवॉइस है सभी पे ओपिनियन देनी है, कैसे करेंगे? तो जो कंक्लूजन हम सैम्पल के लिए रीच करते हैं, द कंक्लूजन दैट वी ड्रॉ रिगार्डिंग द सैम्पल, वी टेंड टू से कि यही कंक्लूजन पॉपुलेशन का भी होगा। अगर 10 किलो टमाटर में आपने देखा ऊपर के सारे टमाटर ठीक ठाक है, तो आप कंक्लूड कर लेते हैं ये कि सारे टमाटर ठीक ही होंगे। सिमिलरली, अगर आप 10 करोड़ में से 1 लाख परचेज इनवॉइस सपोज चेक करते हो एंड 1 लाख परचेज इनवॉइस में सब कुछ ठीक ठाक है, तो वी कंक्लूड कि 10 करोड़ में भी सब ठीक ठाक हो। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग। वी अप्लाई द ऑडिट प्रोसीजर्स टू लेस दैन 100% ऑफ द पॉपुलेशन, बट कंक्लूजन किस पे आते हैं? टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन पे वही कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं जो सैम्पल पे हमने किया था। नाउ व्हाई डू ऑडिटर्स यूज द ऑडिट सैम्पलिंग टेक्निक? व्हाई डू दे यूज ऑडिट सैम्पलिंग एट ऑल? ऑफकोर्स टू सेव कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। आप सोचो, आप 10 करोड़ परचेज इनवॉइस अगर चेक करने चले जाओगे तो आपका 2 महीना या 3 महीना जो जिसमें पूरी ऑडिट आपको कंडक्ट करनी है, वो पूरा टाइम खाली परचेज इनवॉइस को वाउचिंग करने में ही चला जाएगा। तो ऑफकोर्स टू सेव कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी, टू फोकस ऑन मोर इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ ऑडिट। जो होमोजीनियस आइटम्स है, जो एक ही तरह के ट्रांजैक्शंस डे टू डे हुए जा रही है, उसको आप क्या बार बार चेक करोगे? इंस्टेड यू फोकस ऑन द नॉन रिकरिंग काइंड ऑफ आइटम्स, ऑन परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, ऑन मर्जर इफ एनी, ऑन कंटिंजेंट लायबिलिटीज, ऑन एनी केसेस गोइंग ऑन रिगार्डिंग द एंटिटी इन द कोर्ट ऑफ लॉ। इन सारी बातों पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स जिनको हम कहते हैं उस पर अपने ज़्यादा फोकस करेंगे, रैदर दैन द डे टू डे होमोजीनियस काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस। उसके लिए ऑडिटर जो है वो यूज़ कर लेगा ऑडिट सैम्पलिंग। इसकी कई सारी मेथड्स होती हैं जो ऐसे 530 में एलैबोरेट वे में दी गई है। नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग टेक्निक्स होती है, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग टेक्निक्स होती है। तो ऑडिटर्स जो है इन सब के कॉम्बिनेशन को यूज़ करके ऑडिट सैम्पलिंग को यूज़ करते हैं। इसके कई सारे सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं। अब आप सोचोगे अगर 10 करोड़ परचेज इनवॉइस है तो हम कैसे सैम्पल को चूज़ करेंगे कि कौन से चेक करने हैं कौन से नहीं करने हैं? तो इसके लिए एक बहुत ही बेसिक सा सॉफ्टवेयर जो है MS Excel, आप उससे सैम्पलिंग कर सकते हो। अदरवाइज देर आर अदर ऑडिट सॉफ्टवेयर्स लाइक आइडिया, लाइक ऑडिट नेट, ये सब सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके ऑडिटर सैम्पलिंग कर लेते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइस, होप यू लाइक डेट। आपको ऑडिट सैम्पलिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी तरीके से समझ में आ गया। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, राइट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो एंड प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।